Assalamu alaikum dear student, today we will discuss the relationship between speed of the wave, frequency and wavelength of the wave. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि v equal to f lambda, v speed of the wave, f frequency, lambda wavelength of the wave. ये इन तीनों के दरमियान relationship शो करता है. यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि वेव नस्टार की ए से बी तक ये एक वेव कहलाती है. ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक वेव है. इस वेव ने फासला कवर किया डेल्टा एक्स, टाइम टी इसने लिया है. हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कंसिडर अ वेव विच इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर. डायग्राम में दिखाया गया है अ वेव है हमारे पास, स्ट्रिंग में मूवमेंट कर रही है. लेट द वेव कवर द डिस्टेंस डेल्टा एक्स. इस वेव ने डेल्टा एक्स फासिला कवर की बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट के दरमियान. कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. इसने डेल्टा एक्स फासिला स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कवर किया है. हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द वेव कि स्पीड हम इस तरह लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस डेल्टा एक्स टाइम डेल्टा टी. हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बन गया. हेयर यहाँ पर यू देखे द डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल बाय द वेव इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव. जो फासला डेल्टा एक्स इसने कवर किया है एक वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है. हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा. ये इक्वेशन नंबर टू बन गया. और जो फासला जितने टाइम इसने कवर किया है वो इसने डेल्टा टी लिया है. द टाइम डेल्टा टी टेकन बाई द वेव इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. मतलब जितना टाइम इसने लिया है वो टाइम पीरियड के बराबर है. डेल्टा टी इक्वल टू टी. इक्वेशन नंबर थ्री हो गया. ये इक्वेशन नंबर टू और थ्री को वन में पुट करें हमारे पास यू बन गया वी इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई टी. डेल्टा एक्स की जगह लेमडा लिख दिया और टी की जगह टी. हम इसको यू भी लिख सकते हैं वी इक्वल टू वन ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई लेमडा. इक्वेशन नंबर फोर बन गया. हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रिसिप्रोकल है. एफ इक्वल टू वन ओवर टी. वन ओवर टी की जगह फ्रीक्वेंसी एफ लिखे.